हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी सुबह का समय है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा मेकअप देख लो, मतलब इतना मेकअप किया है ना, लेकिन जब वीडियो बनाया मैंने तो वीडियो में इतना मेकअप नहीं आया है। ठीक है, पूरा धूप ने खराब कर दिया है और कुछ सेलेक्ट कुछ और था बनाना, कुछ और पड़ा धूप की वजह से, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा अंधेरा आता है धूप आ जाता है तो, और यहाँ पे थोड़ा सा साफ होगा यहाँ पे, तो बताओ मैं देख ही नहीं पा रही हूँ तो कैसे बनेगा। तो सुबह सुबह मतलब अच्छा आता है, नहीं तो शाम को 2 बजे के बाद, तो सुबह में मैं बना लेती हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद मेरा उतना मूड नहीं करता है, लेकिन 2 बजे के बाद भी बहुत अच्छा वीडियो बनता है, एकदम साफ क्लीन बनता है और धूप से भी मैं दिक्कत नहीं होता है थोड़ी सी भी, मैं बना लेती हूँ जल्दी से। तो देखो ये सजावट वगैरह और दुपट्टा था लेकिन हट गया है, और अभी मेरे घर पे जा रहा है खाना बनने, अभी खाना नहीं बना है और 10 बजने वाला है, तो मैं अंदर का थोड़ा सा लोकेशन दिखा देती हूँ। देखो मेरी दीदी को, हेलो। तो दीदी जा रही है खाना बनाने, तैयारी करने, क्या क्या बनेगा अभी डिसाइड नहीं है। देखो कितना अच्छा किरण है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत मतलब थोड़ी सी ज़्यादा नहीं खराब है, इसीलिए मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, लपटा लपटा के बोल रही हूँ। तो देखो मेरा कितना सारा कपड़ा बिखरा पड़ा है, मैं क्या बताऊँ, घर में इतना छोटा छोटा रूम है ना, तो मतलब और अंदर रख भी देती हूँ ना तो उसको फिर से बनाना होता है, तो निकालती हूँ उसको ऊपर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बार बार निकालो और ऊपर जितना भी कपड़ा मैं एकदम संभाल के चपेट के रखी होती हूँ पूरा खराब हो जाता है, अंदर से निकालना होता है, मैं क्या बताऊँ। और ये मेरा वाइट क्रॉप टॉप जो कि मैंने एक हिंदी सॉन्ग पे बनाया था, आप लोगों ने ढेर सारा सपोर्ट भी किया है, थैंक यू सो मच। तो देख लो यहाँ पे मैं बनाती हूँ वीडियो, और पानी वगैरह, पानी आ गया है देखिए, पानी आता है सुबह सुबह हमारे घर पे, क्योंकि कल का जो पानी है बहुत ही गंदा टेस्ट है इसका, मतलब कोई पी नहीं पाएगा, अगर आप लोग 5 मिनट रख दोगे ना इसमें का पानी तो पीला पीला हो जाता है, ऊपर पीला नीचे काला है, बहुत ही डेंजरस है। और मेरा बोतल देखो आप लोग, इसमें मैं पानी पीती हूँ। तो देखिए दीदी कैसे तैयारी कर रही है खाने खाने का। बताना कि कौन कौन लेट से खाना खाता है या लेट से खाना बनता है, मेरे घर पे तो रोज ही लेट से बनता है सूट की वजह से, नहीं तो जिस दिन मतलब मैं सूट नहीं करती हूँ जिस दिन, वैसे तो ऐसा कोई दिन है ही नहीं जिस दिन मैं सूट नहीं करती हूँ, मैं रोज़ ही सूट करती हूँ, लेकिन कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है ज़्यादा तो मैं सूट नहीं कर पाती हूँ, तो उस दिन दीदी खाना बना के रख देती है 7 साढ़े 7 बजे तक ना दीदी, इतना सुबह खाना बनता है ना कि उस दिन खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आदत सी हो गई है अब 10 बजे के बाद खाने खाने का, और जब भूख लगता है तब दब सूट करते करते तो तब भी मतलब 10 ही बजे मिलेगा, और सुबह में बन जाएगा तो खाने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा है हम लोग का। क्या बताएं, तो आज मतलब खाना बन रहा है और आज सूट नहीं करने वाली थी मैं, लेकिन फिर भी रेडी हुई और रेडी होके वो ड्रेस खोल दी, और खोलने के बाद फिर से दूसरा ड्रेस पहनी, उसके बाद मैंने सूट किया क्योंकि धूप की वजह से नहीं बन पाया। तो देखो क्या क्या पहना है मैंने, ये घाघरा तो आप लोग जानते ही हो, और ये ब्लाउज मैंने अभी भी न्यू खरीदा है, 1-2 महीना हो रहा होगा ना दीदी, कितना हाँ, महीना हो रहा होगा, 2 महीना, हाँ 2 महीना हो रहा होगा। और ये दुपट्टा तो बहुत पहले का इसी पर का है, हम लोगों ने सेट खरीदा था, इसमें का नेवी ब्लू ब्लाउज है ना दीदी, तो उसका उतना अच्छा सिलाई नहीं हुआ है, फोम लगा के सिलाई करवाए थे हम लोग, लेकिन पूरा खराब सिलाई हुआ है, उतना बेकार हो गया एकदम, लेकिन मैं फिर भी पहनती हूँ क्योंकि पैसा दी हूँ उसका। तो ये और नेवी ब्लू ब्लाउज, पीले कलर का यहाँ पे बाजू होगा आप लोग देखे होंगे, राम जी के सॉन्ग पे मैंने बनाया था पूरा लुक पे, तो यही ड्रेस है। और देखो बांधा है मैंने कमर पे, ये बांध के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा बांधती हूँ। और मेरा बिंदी देख लो थोड़ा सा, देखो कैसे की हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि उससे मेकअप बिल्कुल भी नहीं था, एकदम सिंपल सा तैयार होके बनाना था, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और मेरा फेवरेट भी है, देखो कब बना के मैं डाल रही हूँ, अभी क्या पता कब बनेगा, तो जल्दी जल्दी ये जैसे तैसे लिपा पोती करके मेकअप कर लिया है। और मेरा बिंदी देख लो,
ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे करके मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने एक ही किया, उसके बाद मैंने सोचा कि अगर 10-15 में कर लूँ छोटा छोटा तो एक अलग ही लुक आ जाएगा, तो आ भी गया। उतना कमेंट भी, और देखो पीछे कलेक्चर लगाया है मैंने दीदी का, छोटी नहीं बना, टाइम नहीं था, एकदम जल्दी बनाना था मुझे। ठीक है, तो वीडियो डाल दिया है, सपोर्ट करो। और बाकी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लूँ मैं, और एक दो काम मैं करा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो दीदी अकेले कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और तो देखो लेके सामान आ रही है जल्दी जल्दी, और मैं सोची कि थोड़ा सा एक ब्लॉग वीडियो बना दूँ, क्योंकि डेली ब्लॉग भी नहीं मैं बना पाती हूँ, कभी नेट ही ख़त्म हो जाता है, कभी तबीयत खराब रहता है तो माइंड ही नहीं करता है कि मैं ब्लॉग बना, बोल ही नहीं पाती हूँ मैं क्या होता हूँ, लेकिन सोचा कि आज बनाऊँ। तो आप लोग सपोर्ट करो, फिलहाल मैं जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, थोड़ा सा एक दो काम करा दूंगी जल्दी से, ताकि खाना बन जाए और हम लोग खा ले जल्दी जल्दी। क्या बनाएंगी दीदी खाने में? सब्जी चावल। सब्जी चावल, तो फ्रेंड्स हमारे घर पे सब्जी चावल बन रहा है, जिस जिसको खाना है आ जाओ आप सभी, और सपोर्ट करो, ठीक है, ढेर सारा सपोर्ट करो, ताकि आप लोग बोलते हो ना कि और अच्छा वीडियो बनाओ, मतलब अच्छे से कपड़े पहन के या थोड़ी सी फैसिलिटी के साथ, तो वैसे वे सारी चीज़ें अभी मैं नहीं ला पाऊंगी, ठीक है। बाकी सपोर्ट करो, सपोर्ट आप लोग करते हो जिसको, वही लोग थोड़ा सा अच्छा अच्छा मतलब वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ, पूरा पूरा मेहनत देती हूँ अपना 100%, तो सपोर्ट करो अपना, ढेर सारा प्यार दो, ताकि मैं भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ और ज़्यादा। दीदी बाय बोल दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए बोल दीजिए, आप लोग मेरे छोटी को सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये आगे बढ़ सके और अपने सपने को पूरा कर सके। प्लीज आप ही लोग हैं जो वो कर सकते हैं, प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बताना कि ये क्यूट सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और हम दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। येलो येलो येलो, देखो दीदी येलो पानी है और मैं भी पानी हूँ। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए, बाय।